ओम शांति। बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते आपने कोई सेवा अभी अभी की और अभी अभी उसका फल ले लिया, तो जमा कुछ नहीं हुआ, कमाया और खाया, उसमें फिर विल पावर नहीं रहती, वह अंदर से कमजोर रहते हैं, शक्तिशाली नहीं, खाली खाली रह जाते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वतः बन जाएगी। अर्थात बाबा कहते अभी आप बच्चों को जमा का खाता फुल करके संपूर्ण स्टेज निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति में स्थित रहना है, तभी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बन सकेगी, जिसके लिए बाबा कहते कोई भी कर्म करते उस कर्म से विनाशी फल की इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त रहना, कोई भी कर्म करते निष्काम स्थिति में स्थित होकर करना, करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर जब आप कोई कर्म करेंगे तो फल की इच्छा से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव स्वयं भी कर सकेंगे और औरों को भी करा सकेंगे। तो आज अमृत बेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे मैं बालक सो मालिकपन की स्मृति से, सर्व खजानों को अपना बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मैं बालक सो मालिकपन की स्मृति से, सर्व खजानों को अपना बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए स्वराज्य अधिकारी आत्मा की सीट पर सेट रहेंगे और बाबा के सर्व खजानों का अधिकारी बनकर बालक सो मालिक पन की स्मृति में रह सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मन और बुद्धि की राजा संस्कारों की रचयिता हूं, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, इस पांच तत्वों की देह में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं आत्मा एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहने वाली
बाबा के सर्व खजानों की मालिक बालक सो मालिक हूं। सर्व खजानों का मालिक पिता निराकार परमात्मा ने मुझ आत्मा को अपना बालक बनाकर अपने सर्व खजानों का वारिस बनाया है। मैं आत्मा भी बाबा की याद की लगन में मगन बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मन मनाभव के महामंत्र को धारण करने वाली स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूं। नई दुनिया का रचयिता पिता परमात्मा
मुझ आत्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना कराने आया। मैं आत्मा भी आज्ञाकारी बनकर बाबा के सर्व खजानों की अधिकारी बालक सो मालिक हूं। तो अनुभव करें मैं बालक सो मालिक की स्मृति से। सर्व खजानों को अपना बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो।
एक स्वराज्य अधिकारी मालिक। और दूसरा बाप के वर्से के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां आर्डर प्रमाण हो। लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर। वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भाव। मन मनाभव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। तो अनुभव करें मैं बालक सो मालिकपन की स्मृति से। सर्व खजानों को अपना बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं।
मैं बालक सो मालिकपन की स्मृति से। सर्व खजानों को अपना बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं बालक सो मालिकपन की स्मृति से। सर्व खजानों को अपना बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।